अल्लाह एवरी वन वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और बस नाश्ते में बहुत कुछ रॉकेट साइंस वाला कुछ नहीं किया था सिंपल सा ब्रेड खा लिए खा ली थी मक्खन लगा के और ये मैं बता दूँ आप लोगों ने लास्ट तक ब्लॉग ज़रूर देखना है बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार सा ब्लॉग है और आप लोग आखिर तक देखेंगे न तो आप लोग तो खुश हो ही जाएंगे। अच्छा जी उससे पहले आप लोग ज़रा देख लें आँखों पे ज़रा ठंडक सेक लीजिए और ज़रा अच्छे वाले नज़ारे कर लीजिए बिरयानी के जो कि अपिया ने बनाई थी कुछ दिन पहले बनाई थी सिंपल चिकन बिरयानी की रेसिपी और इसको मेन चैनल पर मतलब टेस्टी फूड विथ मारिया पे अपलोड कर दिया था और मैंने सोचा चलो आज इसकी क्लिप भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कितनी टेम्पटिंग और इतनी इजी बिरयानी बनके तैयार हुई थी ना मतलब खाली मैरिनेट किया और फटाफट से मतलब एक घंटे के अंदर अंदर ये बिरयानी बनके तैयार हो गई थी ये रेसिपी और पूरी की पूरी शूट भी हो गई थी बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो आ, टेस्टी फूड मारिया पर जाइएगा और वहाँ पर जाके इसकी रेसिपी देख लीजिएगा अच्छा जी अभी आपको लग रहा होगा कि बिरयानी का कलर एकदम से चेंज क्यों हो गया क्योंकि ज़हर

और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना बताई थी अच्छा जी बैक टू द व्लॉग और हम कहीं जा रहे थे कहाँ जा रहे थे अभी आपके साथ बताते हैं और शेयर करते हैं वैसे तो मैं ये बता दूं कि हमें ना अपिया को और मुझे ज़रा काम थे और ज़रा नहीं थोड़े ज़्यादा वाले काम थे और ऐसे काम थे वो हमें ही करने थे तो हमने सोचा कि ना हम दोनों क्यों ना अकेले ही चले आते हैं और अपने सारे के सारे काम ख़त्म कर देते हैं तो हमने सोचा अकेले जाएँगे अबू को लेकर जाएंगी तो ना अबू बहुत ज़्यादा थक जाएंगे क्योंकि सिर्फ ऐसा था कि ना फिर उन्हें सिर्फ ड्राइविंग करनी पड़ती और फिर आगे कहीं उन्हें चलना फिरना नहीं होता। मतलब उनको मौका ही नहीं लगता निकले कार से या कहीं इधर मतलब थी और एक दो अपने कुछ पर्सनल काम थे वो सारे हमने निपटाने थे और हर जगह पे हमें ऐसा था चार पांच जगह पे जाना था कि बस दस दस मिनट का ही काम था इससे ज्यादा का काम नहीं था लेकिन आप जब बहुत दूर जा रहे होते हमें तारेख रोड सदर की तरफ जाना था तो काफी घंटे लग जाते क्योंकि आपको पता है ना कराची का जो ट्रैफिक है हमारा किस तरह का है तो खैर हम लोगों ने डिसाइड किया कहा आज हम बनाते हैं सिस्टर डे आउट ना तो लेकिन हुआ ये कि हमारे साथ निहाल भी था क्योंकि अबू को जरा कि हम लोग थोड़ा देर से निकले थे घर से कुछ हमें आ, पौने चार साढ़े तीन पौने चार बज गए थे ना निकलते, तो निकलते, निकलते, निकलते निकलते तो हमने कहा चले हम निहाल को साथ ले लेते हैं अगर अंधेरा होने लगा आते आते हमें तो अबू फिक्रमंद होंगे कि चलो भाई साथ है तो खैर वो हमारे साथ था और फिर भी लेकिन हमारा सिस्टर डे आउट तो कंटिन्यू ही था ना और इधर हम जा रहे थे सदर की तरफ जा रहे थे थोड़ा सा काम था काम था और अब मैं बताती हूँ अपिया ना जब भी जाती है मतलब अपिया जब खुद से ड्राइव कर रही होती है ना तो अपिया वो ही वाला रोड चूज करती हैं जो ग्रीन लाइन वाला रोड है ना क्योंकि वो बहुत सीधा सीधा रास्ता है और ना वहाँ उस रास्ते में ना बहुत ज्यादा गड्ढे भी नहीं आते तो ना परेशानी भी नहीं होती अच्छा जी हम पहले चले गए थे सदर और सदर की ज्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक भी हो रहा था क्योंकि वहां पर ज्यादा देर हमें रुकना भी नहीं था सदर गए तो उसका भी बड़ा ख्याल रखना था हम बड़ा ख्याल और और साथ साथ हमें ब्लॉग बनाना था बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी सदर से फारग होके फटाफट हम गए तारिक रोड और हमें लग रही थी भूख क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन पाँच या साढ़े पाँच बज चुके थे और हमने ना दोपहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ था तो जल्दी जल्दी घर से निकले थे तो उसमें हमारा खाना रह गया था तो तारिक रोड पर गए वहाँ पर सबसे पहले रहमत श्री से हमने ले लिए थे सैंडविचेस और उसके बाद फिर हम आगे गए क्योंकि हमारे माइंड में था रहमत श्री से जो आगे की दो गलियाँ छोड़ के है आ, बिस्मिल्ला मिल्क शॉप और हमने इसकी बेशुमार तारीफें सुनी हुई थी मतलब बहुत उसके मैंने इतने रिव्यूज़ देखे हैं इतने लोगों ने वीडियो बनाई है इसके ऊपर मतलब तारीफ़ें नहीं आप आपके ना तारीफ़ों के बहुत बड़े बड़े पुल मैंने सुने हुए इसके ना तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ ट्राई करते हैं अबू के साथ हम ना गलियों वालियों में नहीं जा सकते क्योंकि वो मेन रोड पर ही चलते हैं वो नहीं लेके जाते हमें तो खैर हम अकेले निकले हुए थे तो मौका अच्छा था हमने का मौके का फ़ायदा उठाया जाए थोड़ा सा खैर हमने गाड़ी में बैठ के सैंडविचेस अपने खाना स्टार्ट करे उससे पहले हमने ऑर्डर अपना दे दिया था तीनों ने अपने लिए अलग अलग चीज़ें मंगवाई थी जोया ने रबड़ी मिल्क शेक मंगवाया था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई है नेहाल को चॉकलेट पसंद है तो उसने चॉकलेट लिया था और मैंने सोचा मैं अपने लिए ले लेती हूँ लस्सी यहाँ पर कुछ गुल बहार करके नाम था लस्सी का मुझे लगा कुछ डिफरेंट होगा तो इसलिए मैंने लस्सी ऑर्डर कर दी और यहाँ पर ये सैंडविज़ हैं हमारे मुझे अभी नाम नहीं याद तीन डिफरेंट फ्लेवर के जोया ने सैंडचेज लिए असल में रहमत श्री पे ये वाले सैंडविचेस बहुत ही अच्छे और होते होते हैं हैं अच्छा टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। चिकन थे और वाला वाला तो मुझे पता है ये तीनों को ही भूख लग रही थी तो खैर हमने सैंडविचेस खाई उसके बाद हमारे आ गए थे हमारे मिल्क शेक और ये है रबड़ी मिल्क शेक सबसे ना हैवी वाला मिल्क शेक ना मेरा वाला था जुया को तो वैसे हीवी खाने बहुत पसंद है तो ये जोए ने अपने मुताबिक ही मंगवाया था अच्छा हम लोगों ने तीनों ने ना थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था क्योंकि ये होता है ना आप कब कोई नई जगह जा रहे हो पहली बार कुछ ट्राई कर रहे हो तो हम लोगों की आदत है हम इस तरह इसी तरह से ना मतलब सबकी प्लेटों में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें फ्लेवर्स का पता चले बिल्कुल बिल्कुल तो हमने तीनों के गिलास में से हम तीनों ने ही ट्राई किया टेस्ट किया और हमारा जो एक्सपीरियंस है मतलब वो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत आला वाला नहीं है सो सो वाला तो जितनी तारीफें सुनी थी ना उस तरह का नहीं था जितनी तारीफें हमने सुनी थी आप कह लें बस फिफ्टी फिफ्टी गुजारा ना नॉर्मल ही था चेक कुछ उसमें चार चाँद नहीं लगे हुए थे मैंने ऐसा कुछ नहीं उसमें पाया खैर यहाँ पर हम लोग आ... अच्छा यहाँ पे तारिक रोड पे आओ तो आपको पार्किंग मिलना ना मुश्किल हो जाता है और शाम का टाइम था तो मुझे बहुत लास्ट में जाके पार्किंग मिली थी और गाड़ी पार्क करी उसके बाद गाड़ी के पास ही ना जहाँ पे हमें पार्किंग मिली थी तो ये था ये कौन सी शॉप शॉपज़ होया सेविंग वर्ल्ड हाँ। है और हमें इतफ़ाक से, सेविंग वर्ल्ड देखिए अगर तारिक रोड से स्टार्टिंग से आ रहे हो ना और हमें बिल्कुल लास्ट में जाके हमें पार्किंग मिली और पार्किंग के करीब ही था वो सॉरी पीछे से कुछ अच्छा पार्किंग के पास ही था सेविंग वर्ल्ड तो हमने बोला चलो पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ना जाने का मकसद ये यह था यहाँ पे कुछ ना कुछ लेना ना भी हो तो फिर भी हमें सामान मिल जाता है और गैर इरादी तौर तो पे ना सामान मिल जाता है जो कि नया आया हुआ होता है हर बार अगर हमारा तारिक रोड जाना होता है ना तो हम यहाँ का एक बार विज़िट ज़रूर कर लेते हैं क्योंकि ना हर बार एक नई क्वालिटी होती है एक नई वैरायटी आई हुई होती है तो हमने ना यहाँ पर ज़रा विज़िट किया और जो चीज़ें हमें समझ में आती रही तो फिर वो हमने ले ली थी और यहाँ से ना आपके मगे लिए थे पहले भी लिए थे लास्ट टाइम अभी अभी ना मैंने नए। दूसरे डिजाइन के लिए अभी ना और यहाँ से बस मुझे एक दो चीजें जो अच्छी लगी वो मैंने ले ली थी और उसके बाद जोया और निहाल थोड़े से सामान को देख के ना ये लोग थोड़ा ज्यादा घुसते हैं इन सब चीजों <laughs> में जो छोटे बहन भाई होते हैं तो इनकी भी सेम यही आदत है और मैं इन लोगों को डांट डांट के पीछे कर रही होती हूँ चलो पीछे हट जाओ बास्केट में और कुछ मत डालना मतलब ये लोग ऐसी ऐसी चीजें उठा के मुझे दिखा रहे थे अपिया ये ले लें अपिया ये ले लें मैंने कहा नहीं है ना 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 ये बात नहीं है मैं

तो खैर यहाँ पर हम लोग चीज़ें वगैरह देख रहे थे एक दो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी जो मैंने ली हैं वो हमने लास्ट में शेयर की हैं आप लोगों के साथ कि हमने क्या क्या हाँ। खरीदा डायरेक्ट रोड से तो वो आप लोग मतलब जरूर मतलब पूरी की पूरी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर की है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और हाँ यहाँ से मैंने एक टोंग भी लिया था यानी कि जो चिमटा होता है आप कह लें दस्पना जो जिसको कहते हैं तो ये तो ये मैंने लिया था क्योंकि ना मुझे जरा लंबी स्टिक का चाहिए था वो मुझे नजर आ गया और ये था भी कुछ टू हंड्रेड का तो मैंने कहा चलो यार ये मैं ले लेती हूँ नहीं तो इससे अच्छी क्वालिटी के मेरे पास मौजूद लेकिन ना उनकी स्टिक छोटी है तो हाथ ना थोड़ा जलने लग जाता है जब आप फ्राइंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊं आपको अपने घर के इस्तेमाल के लिए ना मतलब आप जाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकता क्योंकि हम जब अम्मी के साथ गए थे ना इधर तो अम्मी का हाथ नहीं रुका था उनकी अपनी बास्केट थी जो फुल करे जा रही थी और मेरी अपनी बास्केट थी मैं अपने चैनल के लिहाज से सामान वगैरह खरीद रही थी यहाँ से और अम्मी अपने घर के लिहाज से जो मतलब अम्मियों वाला सामान होता है ना वो खरीद रही थी, थी अम्मी ना और पता है इसकी वीडियो हम पूरी की पूरी विजिट की बना चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी और कार्ड में भी ऐड कर दूंगी तो फिर आप लोग जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं और एक और चीज़ बता दूं जो वीडियो में हमने शेयर किया था ना तो 160 के सारी सारे के सारे प्रोडक्ट्स थे क्योंकि उस टाइम पे 160 का डॉलर चल रहा था इस वक्त तो जाहिर सी बात है डॉलर बढ़ चुका है तो ज्यादातर सामान 200 या 220 ट्वेंटी रुपीज का था तो इस हिसाब से था नहीं वन का भी था यहाँ सामान मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे आपको हंड्रेड रुपीज का भी सामान मिल जाएगा लेकिन माइंड में यही रखिएगा कि ये वन डॉलर के हिसाब से देखें ये वो एक गिलास दिखा रही है वन सिक्सटी का है अब ना इसमें क्वालिटी के हिसाब से अप डाउन किए हुए होते हैं पैसे लेकिन यहाँ से आपको ना बहुत कम पैसों में अच्छी

सिक्स सेवन हंड्रेड तक की भी चीजें होती हैं लेकिन उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी भी होती है बात ये आपको घर की जरूरियात जिंदगी का सारा सामान यहाँ से इजिली मिल जाएगा मतलब आपको किचन के हिसाब से अपने घर में डेकोरेशन के हिसाब से और कम पैसों में मिल जाता है सामान ना तो खैर हम तो अपनी शॉपिंग वगैरह से फारि हो चुके थे फिर मैंने बोला फिर मैं खाली ऐसी ही मैंने बोला थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ हमारे इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्योंकि आप लोग बड़े खुश होते हैं और शॉपिंग वाली वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है वैसे किस किस को पसंद आती है शॉपिंग वाली वीडियोज़ ज़रूर कमेंट करके बताएगा तो खैर हम तो ना बड़ा इन्जॉय कर रहे थे और अकेले भी थी ना और ये भी नहीं वो था कि ना अबू हमारा इंतज़ार कर होती है ना कि अब इंतजार करें पार्किंग में तो हमें जल्दी जल्दी अपना मतलब शॉपिंग करो और भी बस निकलो जल्दी अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं अभी चल रहा है शादी सीजन तो शादी के लिहाज से भी ना यहाँ पे बास्केट वगैरह रखी हुई थी काफी अच्छी मतलब डेकोरेशन का जो सामान होता है ना उस टाइप की चीजें यहाँ पे रखी बड़ी ही वाली टोकरिया नहीं होती जिसमें जैसे कलर की होती हाँ, माईयों माईयों समान समान होता है होता है का सामान होता मतलब सब पीला पीला सब जो रखा हुआ होता है ना वो सारा सामान <laughs> <पीला> होता है <laughs> मतलब मैं बता रही हूँ बास्केट थी येलो कलर की ना थी और क्या कहते हैं इसके अलावा जो भी स्टफ होता है ना वो सारी चीजें वहाँ पे रखी हुई थी तो यहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में चीजें इजीली मिल जाएंगी बिल्कुल और यहाँ पे स्टेशनरी की भी बहुत बड़ी रेंज होती है अच्छा हम लोग पहले जो क्या कहते हैं अपने जमाने में अपने जमाने में बहुत सही <laughs> है जब हम स्टेशनरी की चीजें देखते थे ना तो हम बहुत सारी चीजें ना खरीद लिया करते थे और क्या कहते हैं इधर हमारे निहाल साहब वो कुछ भी नहीं खरीदता जाहिर सी बात है वो उसके लिए हम खुद लेकर आ जाते हैं ना और उसे अच्छा इंटरेस्ट नहीं, नहीं लड़कों शार... को नहीं शौक होता हाँ। ये सिर्फ लड़कियों को ही शौक होता है कि हमें ये भी चाहिए ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए ये सारे शौक शायद शायद लड़कियों को ही होते हैं मुझे बताइए कमेंट करके कि लड़कों को होते भी शौक के नहीं होते खैर मेरे ख्याल ख्याल से नहीं होते होंगे क्योंकि हमारे भाई साहब को भी कोई शौक नहीं है की जबान वो ना एकदम से ना अपियर तो लगी तो हाँ। उस चीज के लिए <laughs> तभी हो हो जा जाता है है देखिए जाता है, हो जाता है। जब, लम... जब आप इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं ना तो समाइम ऐसे होता है आप अपने कजन के साथ भी बात कर रहे हो ना तो तब भी ना आपकी जबान स्लिप हो ही जाती है और यही तो हर बार होती है और वो ना एक्साइटमेंट में ये होता है कि वो सजा सजा करके ना आवाज ना डबल भी हो जाती है आवाज मैं बताऊ होता क्या होता ये है कि हम जाते हैं हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें तो माइंड में जो अल्फाज होते हैं ना वो ना मिक्स होके निकलने लग जाते हैं इसलिए ऐसा कुछ हो जाता है <laughs> और यहाँ पे काफी सारी डिशेज आई हुई थी खैर हमें लेनी नहीं थी लेकिन हमने इसको जाके चेक जरूर करा एक बार की क्वालिटी क्या है और काफी इम्प्रूव लग रही थी इस बार मुझे क्वालिटी और यहाँ से हमें एक बड़े मजे की चीज मिली जो ये था हेड मसाजर हेड मसाजर और इसको हमने वहीं पे ट्राई करके देखा और वहाँ पे एक और आंटी खड़ी हुई थी वो भी ट्राई कर रही थी और पता वहीं पे ना खड़े खड़े तो ना सुकून मेरा इसको ट्राई तो फिर हमने ले लिया फिर हमने कहा यार ये तो लेना बनता है वैसे ही हमारे दिमाग में बड़ा ना सुकून की ज़रूरत है तो उसके लिए ये ज़रूरी है एक मसाजर होना चाहिए होना चाहिए तो खैर हम हो गए थे अपनी सारी शॉपिंग से फारग मतलब यहाँ की शॉपिंग से फारिक और यहाँ पे अपिया बिलिंग करवा रही थी इतने में मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत इसका लुक ले लेते हैं उसके बाद फिर हम गए स्टाइलों स्टाइलों पे थोड़ा हमें ना अपने लिए लेनी थी स्लिपर लेनी थी अपिया को और मुझे लेनी थी तो ना हमने देखी थी फेसबुक पे उसका एड दिखा था हमने बोला चलो हम जब जाएंगे ना तब हम जाके ले लेंगे और वहां पे जब गए तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी तो फिर हमें वो वाली जो हमें डिजाइन चाहिए था ना वो वाली मिली नहीं तो फिर हमने बोला चलो कोई बात नहीं फिर हम इधर आए मतलब नीचे की तरफ नीचे के फ्लोर पर आए सॉरी नीचे की तरफ कह रही हूँ और वहां पर ड्रेसेस लगे हुए थे तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं यहां से हमने क्या शॉपिंग करी थोड़ा सा पर्सनल अपना स्टाफ लिया और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले क्योंकि हमें और भी आगे जाना था और और भी और भी आ, हाँ। हाँ। और भी स्टॉप हमारे बाकी थे <laughs> तो खैर यहाँ से हम लोगों ने क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा पर्सनल स्टफ लिया था उसके बाद हम बाहर निकले तो बाहर से हमने अपने लिए स्टॉलर लिए थे तारिक रोड पे ही सामने की तरफ मतलब यहीं से बाहर निकलो स्टाइलों पे से तो ना नहीं नहीं पहले स्टॉलर नहीं लिए थे पहले हम चले गए थे, थे हाँ पहले हम डोलमन मॉल चले गए थे और उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा देर हम रुके नहीं क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी, देर मुझे हो गया था यार रात हो जाएगी अबू ने कहा था <laughs> कोशिश करना रोशनी में वापस आना तो मैंने कहा ठीक है रोशनी में ही हम वापस आएंगे तो खैर यहाँ पे रोशनी तो आपको पता है खत्म हो चुकी है तो हम वापस आ रहे थे यार वापस वापसी में ना ऑफिस टाइमिंग थी और इतना ट्रैफिक था मैं आपको बता नहीं सकती और ट्रैफिक में जो ने फोन नहीं निकाला क्योंकि स्नैचिंग बहुत हो रही है बहुत हो रही है और मतलब पूरे टाइम ना अपिया ने मुझे ना उस पे, रखा अलर्ट, पे, पे रखा था। अलर्ट पे रखा हुआ था कि ना नहीं ज्यादा मोबाइल नहीं निकालना बाहर मैंने बोला अरे मुझे ब्लॉग बनाना है अच्छा खैर मैं बता देती हूँ इससे पहले की क्लिप्स आगे बढ़ती जाए आगे बढ़ती जाए हम कहा पहुंच गए हम पहुंच गए थे फाइव स्टार चेस पे और यहाँ से हमें लेना था निहाल के लिए शूज हम ना पहले भी मतलब तारिक रोड पे भी देख रहे थे वहां पे हमें समझ नहीं आया था तो फिर हम आ गए थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे रास्ते में पड़ता है फाइव स्टार चुरंगी और वहीं पर हम चेस आए थे चेस से निहाल के लिए शूज लिया शूज़ लेने में हमें तकरीबन आधा पौना घंटा लगा क्योंकि ना वहां पे ना असल में साइजेस का इशू हो जाता है कि कभी जो मिल रहा हमेशा ही है, रहता है वहां पे साइजेस का इशू मतलब आपको जो चीज पसंद आ जाएगी उस प, आपकी पसंद के हिसाब से ना उसमें कोई साइज होता ही नहीं है हाँ। तो खैर निहाल को हमने शूज वगैरह दिला दिया था उसके बाद हमने सोचा कि यार हम यहाँ आए हैं तो कुछ खाकर ही घर जाएंगे तो फिर हम आते हैं चिल आउट को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे हमने बोला हम पूरा सही से चिल आउट करेंगे और उसके घर जाएंगे तो फिर हम आ गए थे बर्गर लैब और बर्गर लैब फाइव स्टार पे ही है और ये शायद न्यू खुला है 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 क्योंकि पहले पहले नहीं नहीं था था फाइव स्टार की जो स्ट्रीट स्ट्रीट है, है, फूड हाँ। उस पे पहले नहीं था। अभी हमें खुला हुआ दिखा क्योंकि हमें पर्सनली बर्गर लैब पसंद है वहाँ का खाना पसंद है तो फिर हम पहले इधर आ गए थे ठीक है जब चेस से फारिग हुए थे तब उसके बाद आए थे और हमने ऑर्डर दे दिया था ऑर्डर दे हम सुकून से मतलब हम इतने घंटे की आपकी ड्राइव करी थी इतने घंटे और उसके उसके बाद हम तकरीबन तीन घंटे या साढ़े तीन घंटे के बाद हम कहीं जाके रिलैक्स हो हाँ, के मतलब कहीं भी बैठने का मौका मिला था हाँ। हमें ना रिलैक्स होने का तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर दे दिया था और उसका हम वेट कर रहे थे तो तकरीबन उन्होंने हमें टाइम लिया था पंद्रह से बीस मिनट का ना तो इतने में अबू की दो तीन कॉल खैर रास्ते में ही आ गई थी अब की भाई कहाँ हो कहाँ तक पहुँचे जल्दी घर पहुँचे तो हमने उनको बता दिया था कि भाई हम यहाँ पर अभी रेस्टोरेंट में हैं और अभी हमें एक घंटा और लग जाएगा तकरीबन साढ़े आठ बज रहे थे और हम इधर वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का तो खैर हमारा ऑर्डर पंद्रह मिनट के बाद आ गया था आ गया था और अबू रिलैक्स हो गए थे यूं क्योंकि जाहिर सी बात है फाइव स्टार जो है हमारे घर से काफी करीब है तो फिर ना अबू रिलैक्स हो गए थे कि अच्छा भाई मतलब काफी मतलब करीब आ गए, गए। हैं हाँ। तो वो रिलैक्स हो गए थे इस <laughs> बात पे ना तो खैर इतनी देर में आ गया था हमारा ऑर्डर और ऑर्डर किया था हमने शिकागो फ्राइज़ मंगवाई थी और उसके साथ साथ हमने एक अदद बर्गर मंगवाया था अच्छा वैसे आप लोगों ने एनिमल फ्राइज़ ट्राई की हैं या शिकागो फ्राइज़ इसका कमेंट करके ज़रूर बताएगा और कौन सी वाली आपकी फ़ेवरेट है अच्छा जी ये हमने मंगवा लिया था और ये अब आप बोलेंगे कि ओ मारिए ना तो बड़ी कंजूसी दिखा <laughs> लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है पियने कंजूसी ने दिखाई असल में हमने शाम के टाइम वो मिल्क शेक पी लिए थे ना और लेकिन हमें ये था कि ना हम कुछ ऐसी चीज़ खा ले कि उसमें हमारा ना डिनर कंप्लीट हो जाए मतलब हमारा ना जो डे डे का मील है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी तो हमने इतना ही मंगवाया कि जितनी हमें भूख थी क्योंकि निहाल ने भी कह दिया था कि वो ज़्यादा नहीं खाएगा तो हमने बस फ्राइज़ मंगवाई और ये बर्गर मंगवा लिया था मतलब तो हम तीन एक ही बर्गर मंगवाया था और ये फ़्राइज़ काफ़ी हैवी होती हैं दो तीन लोग आराम से इसको शेयर करके खा सकते हैं मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की भूख लग रही है ना तो हम जोया और मैं ये ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं और ये खा

बर्गर्स होते हैं ना होते तो बहुत टेप्टिंग है लेकिन उसे खाना बड़ा मुश्किल होता है वो एक ही बंदा खा सकता है मतलब वो शेयरिंग के लिए शेयरिंग के लिए आइडियल नहीं है वो तो खैर हमने सुकून से बैठ के अपना मील इंजॉय किया उसके बाद हम चले गए थे घर फाइनली नौ साढ़े नौ बजे के टाइम या शायद पौने दस बज रहे थे उस टाइम पे हम घर पहुंचे थे और आते आते हमने अम्मी और अबू के लिए करवा लिया था टेक अवे करवा लिया था शिकागो फ्राइज़ ही टेकअवे करवाई थी क्योंकि इन दोनों को बेहद पसंद है मतलब फ़्राइज लवर्स ये भी हैं और अच्छा अबू फ्राइज़ लवर्स नहीं फ्राइज़ लवर नहीं है लेकिन अबू को इसके लवाजमात के साथ ना इसके जो इतना टेम्पटिंग लगता है उसके साथ ये बहुत मजे की लगती है तो अब खा लेते हैं खा और अब इसको इंजॉय करते हैं मतलब मेरी तरह ना वही की तो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है <laughs> सॉस वगैरह डला होता है चिकन वगैरह होता है तो उसके साथ मिक्स करके खा लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा इसको एंजॉय कर लेते हैं तो खैर ये आके इन लोगों हमने कहा भाई गरम गरम है जल्दी से खा लें और उसके बाद हमने सोचा जल्दी से वहीं पे बैठे बैठे हम अबू के बेडरूम में ही बैठे हुए थे हम लोग हमने कहा जल्दी से आप लोगों को थोड़ा सा जो सामान लेकर आएँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें जो शेयर कर सकते हैं और उसमें निहाल का शूज़ मैंने शेयर नहीं किया उसे क्योंकि खोलना पड़ता मैं उसी वक्त बैठी हुई थी मैं मतलब थके हुए थे हम लोग बैठे हुए थे तो वो तो मैंने अपना सामान शेयर हाँ। किया आप लोगों के साथ और ये हमारे स्टॉल्स हैं ये काफ़ी अच्छे मिल गए थे तारिक रोड से मिले थे और ये स्टाइलों के बिल्कुल सामने वाली गली में ना वहाँ पर कोई पठान भाई थे और बहुत अच्छे उनके पास स्टॉल्स थे तो वहाँ से हमने स्टॉल्स ले लिए थे इसके अलावा ये सेविंग वर्ड से हमने लिया था हेट मसाजर और सेविंग वर्ड से ना बेसिक वाली चीज़ें ली थी लेकिन ना वहाँ पर ना हर बार ये होता है कि डिफरेंट टाइप की चीजें मिल जाती हैं तो वो ना अच्छा रहता है समटाइम्स हम चले आते हैं ऐसे भी कुछ लेना भी नहीं होता ना तब भी चले आते हैं तो ना कुछ ना कुछ मिल जाता है अच्छा यहाँ से ये ये लिया लिया था एक आ, स्टैंड लिया था एक स्टैंड मैंने लिया क्योंकि लिया मेरे पास जो पे जंग आ गए हैं और यहाँ पर ये मैंने डस्टर लिया था ये मैंने कार के लिए लिया है ताकि उसको साफ करना आसान हो ये किचन के डस्टर लिए थे इसका मटेरियल बहुत अच्छा था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा मतलब प्लेटें वगैरह जो होती है ना धोने के बाद आप उनको ड्राई करने की लिए ना अच्छा किसी चीज के प्राइस 150 थे 160 थे 200 210 इस तरह से थे और यहाँ पर ये यह मैंने टोंग ले लिया था एक क्योंकि इसकी लंबी स्टिक थी तो मुझे अच्छा लगा था तो वो ले लिया था मैंने अपने लिए इसके अलावा ये मुझे स्टेनर मिल गई थी स्टेनर नहीं सॉरी क्या कहते हैं अः इसको क्या कहते हैं है? टी बॉल लिखा हुआ है इस पे टी बॉल लिखा हुआ है लेकिन ये इतना बड़ा वाला टी के लिए यूज नहीं होता ये हमने यूज करना है यखनी के लिए यखनी के लिए, लिए मतलब यखनी प्लाव हाँ। बनता है ना उसके अंदर जो आ, सौफ होती है धनिया होता है वो इसमें डाला और उसको बंद करके डाल देंगे पोटली की पोटली की तरह एज अ पोटली की तरह यूज होगा मैं नाम भूल गई थी इसका खैर दो मैंने ये स्टील वाले मगे ले लिए थे अम्मी ने कहा ऑलरेडी है तुम क्यों लेकर आई मैंने कहा आजकल अच्छे लग रहे हैं मुझे असल में इसमें ना पानी निकालो इतना ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा होता है और आराम से मतलब एक ज्यादा क्वान्टिटी में आता है ना तो आप से के पानी पी लेते हैं इसके अंदर ना और अब यह दिखा रही थी इस को कि ये किस तरह का है और अंदर से कैसा होगा तो वैसे तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे इसको क्योंकि छोटे वाले तो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं बड़ा वाला काफ़ी टाइम से हमें मिल नहीं रहा मेरे था। पास छोटा वाला हैगा और उसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैंने वो यखनी वाला समझ के मंगवाया था कि ये बड़े साइज़ का है लेकिन वो छोटा ही मिला था तो खैर मैंने ले लिया था लेकिन अभी ये मुझे बड़ा नज़र आया तो मैंने ये ले लिया मैंने कहा यार अब यखनी वगैरह बनानी होती है किसी भी चीज़ में आपको कोई चीज़ ऐड करनी है ना तो आप इसके अंदर डाल के गर्म मसाला वगैरह उसमें आप ऐड कर सकते हैं हैं। और ये मैं दिखा रही थी हेड मसाजर और ये इतना चिल करके सुकून से बैठ गई तो तो मज़ेदार है ना यारिटेटिंग मतलब ये ये। होता है वो बहुत ज्यादा हाँ, ये क्या कहते हैं इरीटेटिंग नहीं था अच्छा था इसके ऊपर बॉल्स लगे हुए थे असल में और उसको जो है ना मुझे याद आ गया उसको कहते हैं इन्फ्यूजर कहते हैं उसको बेसिकली चले आपको नाम याद आ गया है जो कि यखनी वाला था अच्छा जी सब चीज़ों से फारिग हुए उसके बाद हमने गर्मा गर्म सी चाय पी जो कि मैं मौका नहीं लगा था हाँ। चाय पीने का और चाय बनाई मैंने कड़क वाली इलायची मार के जबरदस्त सी चाय बनाई और हमारा डे इतना सुपर गया इतना अच्छा डे आउट गया ना हमें तम ने तो बहुत इंजॉय किया भले हमने अपने बहुत सारे काम किए हों लेकिन हमारे लिए ये डे आउट हमारा बहुत अच्छा था और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा आप लोगों ने कितना इन्जॉय किया हमारे साथ साथ ज़रूर कमेंट करके बताएगा इसी के साथ कर देंगे आज के वीडियो को एंड आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़